ये सही है कि थोड़ा बहुत योगदान पराली से भी प्रदूषण में है, लेकिन हरियाणा सरकार संवेदनशील है, हरियाणा के किसान भी इसकी गंभीरता को समझते हैं, और हम चाहते हैं कि दिल्ली हमारा दिल है, राष्ट्रीय राजधानी है, दिल्ली में प्रदूषण होता है तो देश की बदनामी होती है। हरियाणा के किसान, हरियाणा की सरकार, हरियाणा की आम जनता बिल्कुल नहीं चाहती कि दिल्ली के अंदर प्रदूषण हो, और उसके लिए हमने, हरियाणा सरकार ने और किसानों ने मिलकर बहुत सारे कदम उठाए हैं। पराली कंजम्पशन के लिए नीतियाँ बनाई, लगभग 80,000 मशीनरी किसानों के यहाँ बंटवाई, पराली कंजम्पशन के लिए फैक्ट्रियाँ लगवाई, गौशालाओं के जो पराली उपयोग में लेके आते हैं उनको इंसेंटिव दिया, 1,000 रुपया जो गांव आग नहीं लगाएगा उसको प्रति एकड़ अलग से इनाम दिया, और पराली में जो किसान आग लगाता है तो उसकी मजबूरी है कि उसके पास टाइम गैप कम रहता है धान कटाई से लेकर गेहूं बिजाई के बीच में, उसके लिए भी हमने नीतियां बनाई है। 7,000 रुपये हम जो धान ना बोए प्रति एकड़ उस किसान को देते हैं, और जो धान बोना चाहता है DSR विधि से बोए जिसमें पानी की बचत होती है 50% की, और वो बिजाई भी जल्दी होती है, जून के महीने में बिजाई हो जाती है, उस किसान को भी 4,000 रुपये प्रति एकड़ हमने दिया, और लगभग 2.5 लाख एकड़ DSR विधि से किसानों ने धान की बिजाई की। अगले साल हमारा टारगेट है 10 लाख एकड़ में हम करेंगे, और जल्दी बिजाई होने की वजह से हमने खरीद में भी जल्दी शुरू की, 1 अक्टूबर की बजाय 25 सितंबर से धान की खरीद शुरू की, और हरियाणा में लगभग PR धान की खरीद हो चुकी है। पिछले साल 59 लाख एकड़ धान की खरीद हुई थी, इस बार हम यह आंकड़ा कितना है? 59 लाख, और इस साल यह आंकड़ा 54 लाख की हम खरीद कर चुके हैं। कितना सर? 54 लाख, और ये 15 दिन पहले ही हम समझते हैं कि धान इस बार फसल एडवांस कर दी हमने, और इस ताकि किसान को खेत खाली मिल जाए, उसको आग ना लगाना पड़े, वो गेहूं की बिजाई टाइम पर कर चुके। जितने काम हमने करने थे पराली प्रबंधन में किसानों की सहायता में, वो हमने किए हैं, और दुख की बात यह है कि हम पराली में आग नहीं लगाते, प्रदूषण नहीं करते, उसके बावजूद भी हमारे शहरों का भी दम घुट रहा है, और मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि ये धुआं जो है दिल्ली जाने से पहले हरियाणा का दम घुटता है। पिछले 7 दिन के आंकड़े मेरे पास हैं, ICR के आंकड़े, NASA के आंकड़े हैं, आजकल कोई भी आगजनी होती है तो उसका आंकड़ा आ जाता है। 1 नवंबर को हरियाणा में 99 घटनाएं हुई थी, पंजाब में 1921, 2 नवंबर को हरियाणा में 48 पराली जलाने की घटनाएं हुई, पंजाब में 1668, 3 नवंबर को हमारे यहाँ 28 घटनाएं हुई थी, वहाँ 1551, 4 नवंबर को 33 घटनाएं हुई, वहाँ 1360, 5 नवंबर को हमारे यहाँ 109, वहाँ 3230, 6 नवंबर को हमारे यहाँ 65, वहाँ 2060, 7 नवंबर यानी कल 26 घटनाएं हरियाणा में हुई हैं और वहाँ 1515। टोटल इस नवंबर के महीने में 408 जगह हमारे यहाँ पराली जलाने की घटनाएं हुई, जबकि हमारा पंजाब में 13,305 है, जो हमारे से लगभग 30 गुना ज़्यादा है, जबकि धान का कुल एकड़ जो है हमारे यहाँ एरिया जो है 60% है। हमने पूरी कोशिश की है कि हमारे यहाँ पराली जलाने की घटना ना हो, प्रदूषण ना हो, लेकिन इस सब के बावजूद हमारे यहाँ भी जो दिल्ली में धुआं है उतना ही धुआं हमारे पास आ जाता है। ये बड़ा गंभीर मुद्दा है, सभी सरकारों को मिलजुल करके और कोशिश करनी चाहिए, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे पंजाब हो, और अकेले किसानों को दोषारोपण करने की बजाय, जो और बहुत सारे कारण हैं
प्रदूषण के, उनका समाधान भी निकालना चाहिए।